वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, इट्स का प्रोडक्शन। एंड आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ हम अपने वीडियो का स्काई को कैसे चेंज कर सकते हैं एंड उसमें री इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये नॉर्मल वीडियो से इसमें स्काई हमारा चेंज हो गया, साथ ही में इसका जो री इफेक्ट है वो भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एडिटिंग आज हम करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम में। वीएनएडिटर से हम ये काम कर चुके हैं बट उसमें सही से नहीं हो रहा है, मीन्स क्रोमा की उतना सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम कैपकट एप्लीकेशन में कैसे इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं जिसमें स्काई चेंज हो जाएगा एंड साथ ही में रे इफेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो यार आप ये जानते होंगे कि मीन्स वीएनएडिटर को यूज़ करने के लिए हमें किसी न किसी वीपीएन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो यार यहाँ पे मैं क्विक वीपीएन से कनेक्ट हूँ, कनेक्ट होने का प्रोसेस क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, आप वीपीएन को ओपन करना एंड यहाँ पे एक मीन्स रहता है कनेक्ट करने वाला, उस पर आप टाइप करना, कनेक्ट हो जाओगे। ओके, ना उसके बाद जो काम वाली बात है वो हम करते हैं। कैपकट एप्लीकेशन को सिंपली से आपको ओपन करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अलाउ कर देना अगर फर्स्ट टाइम आप कैपकट को ओपन कर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ आपको अपने वीडियो को जस्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो आपको नॉर्मल वीडियो शूट किए होंगे जस्ट उस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना। देख सकते हो यहाँ पे स्काई हमारे मिट्स नॉर्मल है जैसा कि रहता है। ठीक है, देन उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है एंड अपने वीडियो को जस्ट यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, नाउ लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है जस्ट आप इसे डिलीट कर देना क्योंकि ये वाटर मार्क है तो इसे तो हमें रखना नहीं है। ठीक है, ना उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली सा ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्काई इफेक्ट ऐड करना होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 4-5 इफेक्ट दे दिए हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है जस्ट आप उस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। मीन्स आप डाउनलोड करोगे तो जो इफेक्ट अच्छा लगे आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो मैं फोल्डर चूज कर लेता हूं जहां पे कि मीन्स मेरा इफेक्ट है, तो डाउनलोड वाले फोल्डर में हमारा इफेक्ट है या फिर यू बोलो स्काई है, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो स्काई इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। सिंपली से क्या करना है, इस स्काई इफेक्ट को आप इस तरीके से जूम करना, इतना जूम करना है कि आपका मीन्स ये जो नॉर्मल वाला स्काई है ना उसको ये कवर अप कर ले। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे इतना जूम कर दिए, ये कवर कर लिया, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है एंड एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम मास्क है। ठीक है, तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना होगा, देन स्प्लिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का मीन्स इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली से क्या करना है, ये जो सर्कल दिख रहा है इसे आप नीचे लेके आना। ठीक है, एंड नीचे लेके आने में थोड़ा सा जस्ट आप ऊपर करना और यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है जस्ट इसे आप थोड़ा सा मीन्स नीचे करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना नीचे करते हैं एंड इस तरीके से करके जस्ट यहाँ पर आपको फेदर इफेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो डन पे मैं क्लिक कर दूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फेदर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ना उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स हमारे इफेक्ट अप्लाई हो गया, बट यार देख सकते हो मीन्स बंदे का फेस ही पूरा गायब हो गया, तो उसका सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। ना सबसे पहले क्या करते हैं, ये इफेक्ट, ये जो बादल इफेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया उसे यार यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, इसको ट्रिम करते हैं एंड इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, ना ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है ना इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर दे, स्पीड पर क्लिक कर दे, नॉर्मल पे आके जस्ट इसका स्पीड को हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो ये मीन्स हमारे वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, एंड काफी अच्छा लगेगा मीन्स वीडियो में अगर ये स्पीड में मूव करते रहे तो काफी सही रहेगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं एंड फिर भी हमारा कुछ पार्ट बच गया तो स्प्लिट करते हैं एंड डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्काई इफेक्ट ऐड हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है, अपने बंदे का फेस लाना है और इसमें रे इफेक्ट हमें ऐड करना है। ठीक है, तो बंदे का फेस लाने के लिए सिंपली से आपको क्या करना होगा, ओवरले पे फिर से क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है एंड अपने वीडियो को जस्ट आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अपने वीडियो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप एल्बम्स पे क्लिक कर देना, आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर से अपने वीडियो को सिलेक्ट करना एंड ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ना उसके बाद इसे जस्ट आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका स्काई यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मीन्स हमारे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा स्काई ऐड हो गया, हमारा फेस भी सही से दिख रहा है, हर एक चीज़ मीन्स परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, जैसे वीएन में क्या होता था ना कि मीन्स स्काई अच्छे से ऐड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारा चीज़ हो चुका है। ना उसके बाद क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, सो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद इसमें हम रे इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। सो रे इफेक्ट ऐड करने के लिए जस्ट आपको एक प्रीक्वल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज यार आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देख सकते हो ये प्रीक्वल
एप्लीकेशन है, आप स्पेलिंग देख लेना, प्रोनाउंसिएशन तो शायद यही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद अभी भी जो आपने वीडियो को मीन्स क्रिएट किया है, जस्ट उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका वीडियो इम्पोर्ट हो जाएगा ना। उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है, एंड यहाँ पे जस्ट आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्टिकल करके, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको जस्ट चले आना है स्टेलर में, ठीक है। तो स्टेलर वाले पे हम आते हैं, एंड इसमें जो ये फर्स्ट वाला है, सॉरी यार ये स्पेक्ट्रम में आ चुके ना हम, हाँ स्टेलर पे आना है। एंड स्टेलर पे आने के बाद ये फर्स्ट वाला अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो री इफेक्ट हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। बट इतना ज़्यादा अप्लाई हो गया कि मीन्स बंदे पे भी आ गया और अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए सिंपली सा आप इस पर एक बार टाइप करना, एंड इसका स्केल को जस्ट आप थोड़ा कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम इतना रख देते हैं, एंड आप देख सकते हो हमारा स्कैम ये इफेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरीके से करके जस्ट आप इसे ऐड कर लेना, एंड देखो इसका इंटेंसिटी को मैं इतना ज़्यादा कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो तो एक लेटर है, ठीक है, मीन्स ये वर्ड है, जिसके कारण कि क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंदे पे अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बट ये वर्ड्स पे अप्लाई हो जा रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यार देखो आप अपने वीडियो पे इस टाइप का कोई वर्ड ऐड मत करना, ये तो मीन्स मैंने कहीं से उठाया इसलिए यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि मीन्स हमारा स्काई जो वो कम्प्लीटली अच्छे से ऐड हो चुका है, एंड इसमें स्काई इफेक्ट रे इफेक्ट सारी चीज़ें हो गए ना। हमें क्या करना है, डन पे क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इसे क्रिएट कर लोगे। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करने के बाद इसे आपको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हो वीडियो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, जिसमें क्या स्काई भी चेंज हुआ है, एंड साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो इसमें रे इफेक्ट भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जस्ट आप चेंज कर सकते हो ना। उसके बाद सेव वीडियो पे आपको क्लिक करना, आपका वीडियो क्रिएट हो गया, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।